इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था अरे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक। नेक्स्ट हमारा है लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक। स्टैक को हम अरे के फॉर्म में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और स्टैक के फॉर्म में भी। तो अगर हमें उसे लिंक लिस्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, इम्प्लीमेंट करना है, तो कैसे करेंगे? तो इसका अल्गोरिदम क्या होगा? अल्गोरिदम पुश। यहाँ पर भी हमने अल्गोरिदम का नाम क्या दिया है? पुश। पुश मतलब हमें इंसर्ट करना है डेटा को लिंक लिस्ट में या स्टैक में। तो यहाँ पर भी एक टॉप है और एक्स है, ठीक है। टॉप क्या है? पॉइंटर टू फर्स्ट नोड। फर्स्ट नोड की एड्रेस किसके पास रहेगी? टॉप में। जैसे पहले जब हमने सिंगली लिंक लिस्ट देखा था तो फर्स्ट नोड की एड्रेस किस में रखते थे हम? स्टार्ट में। वैसे ही टॉप क्या स्टोर करता है? एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड। पॉइंटर टू फर्स्ट नोड मतलब एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड। एक्स क्या है? वैल्यू टू बी इंसर्टेड। जो भी वैल्यू हमें इंसर्ट करनी है स्टैक में, ये एक्स है। पर्पस क्या है इस एल्गोरिदम का? दिस एल्गोरिदम इंसर्ट्स एन एलिमेंट इनटू द स्टैक, ठीक है। स्टेप वन क्या होगा? जब भी हमें कोई नोड इंसर्ट करना होगा लिंक लिस्ट में या स्टैक में, तो उसको सबसे पहले क्रिएट करना होगा। तो हम क्या करेंगे? क्रिएट अ न्यू नोड। और न्यू नोड हम कैसे क्रिएट करते हैं? पी इक्वल्स टू न्यू नोड, ठीक है। ये नोड हमने कैसे बनाया हुआ होगा? स्ट्रक्चर यूज करके। स्ट्रक्ट नोड, ये सिंगली लिंक लिस्ट है, ठीक है। तो सिंगली लिंक लिस्ट में क्या होता है? एक डेटा स्टोर करने के लिए इंटीजर होगा और एक पॉइंटर होगा जो एड्रेस स्टोर करता है नेक्स्ट नोड की। तो स्ट्रक्ट नोड स्टार लिंक। तो इस टाइप से हम इस नोड को क्रिएट करेंगे, ठीक है। इस टाइप से वो स्ट्रक्चर के फॉर्म में होगा। तो अगर हमें कोई एक न्यू नोड क्रिएट करना है तो हमें क्या लिखना पड़ता है? पी इक्वल्स टू न्यू नोड। तो ये जो नोड है वो यही है। तो ये पी जो है उसमें डेटा पार्ट भी होगा और लिंक पार्ट भी होगा, ठीक है। इफ़ पी इक्वल्स टू नल देन प्रिंट नो एम्प्टी नोड अवेलेबल इन मेमोरी। अगर पी में नल है, हमने कहा कंप्यूटर से कि हमें एक नया नोड क्रिएट करके दो मेमोरी में, जिसमें डेटा भी स्टोर कर सकें और एड्रेस भी। लेकिन अगर सपोज हमारे कंप्यूटर की मेमोरी फुल हो गई है तो क्या न्यू नोड क्रिएट हो सकता है क्या? नहीं। अगर नहीं क्रिएट होगा तो इसमें पी के अंदर क्या आ जाएगा? नल। तो हम अगर पी में नल आ गया, हम चेक करें इफ पी इक्वल्स टू नल देन प्रिंट नो एम्प्टी नोड अवेलेबल इन मेमोरी और एग्जिट। अगर नोड बना ही नहीं तो हम इंसर्ट कैसे करेंगे? तो हम यहाँ से बाहर चले जाएंगे। लेकिन अगर न्यू नोड क्रिएट हो गया, ठीक है, मेमोरी में स्पेस है, तो न्यू नोड एक क्रिएट हो जाएगा पी, ठीक है, जिसका एक डेटा पार्ट होगा, लिंक पार्ट होगा। और जो भी एड्रेस होगी उस नोड की, सपोज इस नोड की एड्रेस 500 है, तो पी में जाके 500 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? इनिशियलाइज न्यू नोड। अब न्यू नोड को इनिशियलाइज करना है मतलब पी के डेटा में हमें क्या स्टोर करना होगा? एक्स, जो वैल्यू हमें इंसर्ट करनी है। तो पी के डेटा में मतलब पी एरो एक्सेस ऑपरेटर यहाँ पर क्या है? एरो डेटा इक्वल्स टू एक्स। तो पी के डेटा पार्ट में क्या स्टोर हो गया? एक्स। अब हमें क्या चेक करना है कि कहीं स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। तो अगर स्टैक एम्प्टी, हमें कैसे पता चलता है? टॉप इक्वल्स टू नल। अगर टॉप की वैल्यू नल है तो हमें क्या करना होगा, ठीक है? अच्छा, टॉप की वैल्यू नल है मतलब स्टैक एम्प्टी है, तो यही नोड इसका स्टैक का पहला नोड बनेगा। तो पहला नोड बनेगा तो मुझे क्या करना होगा? टॉप इक्वल्स टू पी। टॉप में किसकी एड्रेस स्टोर करवानी होगी? पी की। तो पी की एड्रेस अगर 500 है तो टॉप में जाके 500 स्टोर हो जाएगा। तो टॉप इक्वल्स टू पी मतलब टॉप पी को पॉइंट कर रहा है, और पी के लिंक में क्या स्टोर हो जाए? नल, क्योंकि ये एक अकेला नोड है, इसके बाद कोई नोड नहीं है, और एग्जिट। तो ये केस क्या हो गया? इफ स्टैक इज एम्प्टी। तो अगर स्टैक एम्प्टी है तो टॉप को पी से पॉइंट करवाओ, पी के लिंक में नल स्टोर कर दो, ठीक है। लेकिन अगर हमारी लिंक लिस्ट एम्प्टी नहीं है, सपोज करो हमारी लिंक लिस्ट में एक डेटा होता, सपोज 5 और नल, ठीक है, ये हमारी लिंक लिस्ट होती। अब हमें इसमें इंसर्ट करना है कोई एक नया नोट, तो इंसर्शन और डिलीशन स्टैक में कहाँ से होता है? फर्स्ट पोजिशन से, जिसे बोल रहे हैं हम टॉप से, टॉप वाली साइड मतलब फर्स्ट पोजीशन। तो यहाँ पर नोड जो भी आप बनाओगे वो यहाँ पर इंसर्ट होगा। तो अगर हमारी लिंक लिस्ट एम्प्टी नहीं है, सपोज इसमें एक नोड है, ठीक है, इसकी एड्रेस थी 500, तो टॉप के अंदर है 500। तो हम इधर से फिर से आए, एक न्यू नोड क्रिएट हुआ, ठीक है, ये क्रिएट हो गया हमारा न्यू नोड पी, जिसमें डेटा पार्ट है और लिंक पार्ट है, ठीक है। हम यहाँ आ गए, पी के डेटा में क्या स्टोर हो गया? एक्स। स्टैक एम्प्टी नहीं है, क्यों नहीं है?
क्योंकि टॉप में क्या है 500, टॉप में नल नहीं है तो हम यहाँ आ गए। अदरवाइज केस में क्या करो, पी के लिंक में स्टोर कर दो टॉप। पी का लिंक यानी ये पार्ट, इसमें क्या स्टोर कर दो टॉप, टॉप मतलब 500, और ये 500 किसकी एड्रेस है, इस नोड की। तो जब ये नोड यहाँ इंसर्ट होगा तो इसका नेक्स्ट नोड क्या बनेगा, ये वाला। तो टॉप पी के लिंक में क्या आ गया, टॉप मतलब कि 500, और टॉप को किससे पॉइंट करवा दो। अब फर्स्ट नोड क्या हो गया इस स्टैक का, हमारा पी वाला नोड। तो टॉप इक्वल्स टू हमने कर दिया पी, टॉप इक्वल्स टू पी मतलब टॉप अब पी को पॉइंट कर रहा है। तो हमारी लिंक लिस्ट अब क्या हो गई, एक्स 500, 5 नल, इसकी एड्रेस थी 500, और टॉप अब किसको पॉइंट कर रहा है, पी को।